दोस्तों, आज हम आपको पेंटम 4 प्रो ओपन करके दिखाएंगे, अनबॉक्स करके दिखाएंगे। जो पेंटम 4 प्रो का बैग है, जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे ड्रोन का लोगो भी लगा हुआ है। तो इसके बारे में आज आपको बताते हैं कि इसकी सेटिंग वगैरह, इसे उड़ा कर दिखाते हैं कि पेंटम 4 प्रो के अंदर क्या खास है। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। ये पेंटम 4 प्रो है। जैसे कि आपने पहले, आपको बताया गया था कि पहले मैंने पेंटम 4 के बारे में बताया था, फिर पेंटम 4 प्रो प्लस के बारे में बताया था। ये ओनली प्रो है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देख सकते हैं, पहले इसके सेंसर पे आते हैं। इस पे बैक सेंसर दिए गए हैं, 2 बैक सेंसर दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और साइड पे सेंसर दिए गए हैं, और इसके फ्रंट सेंसर भी दिए गए हैं। मतलब चारों तरफ इसके सेंसर दिए गए हैं। तो नीचे की तरफ दिखा देता हूँ मैं आपको, इसके 2 स्पीकर दिए गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बैटरी है, गिम्बल लॉक लगा हुआ, नीचे भी 2 सेंसर लगे हुए हैं इसके। तो इसका गिम्बल लॉक उतार देते हैं हम लोग। तो उससे पहले इसकी बैटरीज है, देख सकते हैं बैग, इसकी 2 बैटरीज दी गई हैं। ये रिमोट है इसका, तो इसके एक्स्ट्रा पर भी मिलते हैं हमें। इसके अंदर 8 पर दिए जाते हैं, जिसकी पंखुड़ियाँ 8 हैं। तो ये डाटा केबल है इसके बीच में, ये चार्जर है। तो काफ़ी अच्छा बैग इन्होंने डिज़ाइन किया गया है, ये देख सकते हैं, बैग भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी इसे गिम्बल को अनलॉक कर देते हैं, मैं ऐसे उल्टा रखूँगा, यहाँ से मैं गिम्बल लॉक हटा देता हूँ। ये गिम्बल लॉक मैंने हटा दिए। तो दोस्तों, ये गिम्बल इसीलिए होता है कि जो हमारा कैमरा है, जब हम कैरी करते हैं बैग में, ऐसे गिम्बल हिले ना, क्योंकि इसका पत्ता ख़राब हो जाता है इसकी वजह से दोस्तों, इसीलिए गिम्बल लॉक लगाया जाता है। तो काफ़ी अच्छे कैमरा, बहुत अच्छा है। इसकी सेटिंग बताता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप लोग, इसके जो पर हैं 8 दिए गए हैं, 4 पर एक्स्ट्रा होते हैं, अगर टूट जाए तो एक्स्ट्रा पर दिए जाते हैं इसके अंदर। ये ब्लैक हमने 4 निकाले हैं, ये नए हैं बिल्कुल, इनके ऊपर टेपिंग की हुई है, तो ये बिल्कुल नए हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। ये जो नए वाले हैं साइड पे रख दें, 2 3 4 4 जो यूज़ किए गए हैं पहले वो लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आएगा सिल्वर, यहाँ पे लिखा भी होता है, देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ फोकस करके थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं मैच सिल्वर, यहाँ पे लिखा है सिल्वर, मैच सिल्वर रिंग। तो ये यहाँ पे आएगा ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक आएगा सिल्वर ब्लैक, यहाँ पे आएगा सिल्वर ब्लैक। तो यहाँ ऐसे आएगा चारों कोनों पे, यहाँ पे आएगा सिल्वर, यहाँ पे आएगा ब्लैक, यहाँ पे आएगा सिल्वर, यहाँ पे आएगा ब्लैक। तो इसे लॉक करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा इसे पुश करना पड़ता है, ऊपर लॉक दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा होगा, लॉक बनाया है, किधर से खुलेगा, इधर से लॉक लग जाएगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो इसे पुश करना पड़ता है, पुश करके लॉक परली साइड, ऐसे थोड़ा सा ऊपर से दबाना है, पुश करना है और परली साइड घुमा देना है। अभी हम थोड़ा सा पुश करेंगे इसे, ऐसे पहले लगा दें, पुश करके घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो देख सकते हैं चारों लॉक लग गए हैं। अब इसके रिमोट की बात करेंगे दोस्तों, जो इसका रिमोट है, इसे ओपन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इसका रिमोट है जो, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसको साइड पर रख लेते हैं। ये जो रिमोट पैनल है, इस पर आप बड़ा टैब भी लगा सकते हो, इसे मैं ओपन कर देता हूँ, देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बड़ा टैब वगैरह है तो आप यहाँ पे इसे नीचे डाउन कर सकते हैं, इस तरह से डाउन करके यहाँ पे बड़ा टैब लगा सकते हैं। छोटा मोबाइल है तो इसे इस ढंग से यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं आपको अपना मोबाइल लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से इस तरह से पुश कर देना आप, यहाँ से लॉक लग गया है फिर नहीं लगा। ये होम बटन है दोस्तों, होम का मतलब अगर आपका सिग्नल टूट रहे हैं, जब आपसे वापस नहीं आ रहा है ड्रोन, तो एच बटन दबा सकते हैं, होम बटन है ये, ऑन करने के लिए दी है। जो इसका दिखा देता हूँ, ये है शटर स्पीड है, ये जो वाइट करना है हमने, शटर स्पीड होती है, अगर ब्लैक करना है वाइट करना है, ब्लैक करना है परली तरफ वाइट करना है,
इधरली तरफ यहाँ से स्टिल फोटोज होती हैं, यहाँ पे स्टॉप यूज हो जाती है वीडियो, स्टिल फोटोज हैं, यहाँ पे APS दिया गया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है, जो रेड बटन है तो मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, जो ये रेड बटन दिया गया है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, ये है गिम्बल, जो गिम्बल कैमरा है हमारा उसे ऊपर नीचे करने के लिए है। यहाँ पे एटी मोड, यहाँ पे 3 मोड दिए गए हैं, तो इनकी हमारे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे हमेशा हम पी पे रखते हैं, तो देख सकते हैं APS लिखा है, हमेशा इसे हम ज़्यादा अगर पी पे रखते हैं तो इसे हम आपको अभी दिखाएंगे कि इसे फ्लाई करके और इसकी सेटिंग के बारे में चलिए थोड़ा बताते हैं हम। जी दोस्तों नमस्कार, तो इसके बारे में आज सेटिंग के बारे में बात करते हैं, पेंटम 4 प्रो की सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग के अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे ISO वगैरह की बात करते हैं, ऑटो पे सब कुछ ऑटो रहेगा आपका, अगर आप ए पे करते हैं क्लिक, आपका अपर्चर है जो देख सकते हैं अपर्चर है ये मैनुअल हो जाएगा, और बाकी सारा कुछ मतलब जो भी सेटिंग्स हैं ऑटो रहेगी, अपर्चर पे क्लिक करेंगे अपर्चर सिर्फ मैनुअल होगा। फिर है एस पे शटर स्पीड, शटर स्पीड आपकी हो जाएगी मैनुअल, बाकी सारा ऑटो रहेगा। फिर है मैनुअल, A to Z मैनुअल हो जाएगा आपका, जो भी सेटिंग्स वगैरह है A to Z मैनुअल हो जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो मोड की, जो दोस्तों देख सकते हैं कि वीडियो मोड है जो जो HD पे देख रहे हैं 120 फ्रेम तक है HD पे स्लो मोशन के, और 4K है जो 4K 60 फ्रेम पे कर रहा है, ये प्रो प्लस था 50 पे कर रहा था, ये 60 पे कर रहा है देख सकते हैं आप। तो जो भी आपको दिखा रहा हूँ फुल 4K 60 फ्रेम पे करता है, 20 MP इसका HD फुल HD कैमरा है, तो 3K जो 3K है वो भी 60 फ्रेम पे करता है, जो 2K है वो भी 60 पे, जो HD है वो 120 फ्रेम पे कर रहा है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसे फ़िलहाल ऑटो पे कर देता हूँ, सब कुछ ऑटो हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसे नॉर्मल हम 48 फ्रेम पे रखेंगे स्मूथनेस पे, तो नीचे 12C है HD है ये भी 120 फ्रेम पे हम नॉर्मल HD पे रखेंगे 48 फ्रेम पे। तो इसके बाद वीडियो फॉर्मेट दोस्तों मूवी और MP4 है, हम MOV ही रखेंगे, मूवी का फॉर्मेट बेस्ट है। उसके बाद NTSC और PAL आता है, दोस्तों PAL जो हमारा इंडिया फॉर्मेट है, NTSC वैसे फॉरेन का फॉर्मेट है, अगर आप PAL पे रखते हैं तो फ्रेम रेट आपको कम मिलेंगे, जैसे फ्रेम रेट आपको 25 मिलने हैं, अगर NTSC करोगे तो फ्रेम रेट आपके बढ़ जाएंगे, फ्रेम रेट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका वाइड बैलेंस, वाइड बैलेंस अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक क्लाउड से वाला फील चाहिए क्लाउड पे क्लिक कर सकते हैं आप चाहते हैं मेरे को एक सन वाला फील चाहिए सन पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी है, तो यहाँ पे आप कस्टमर भी कर सकते हैं वाइड बैलेंस है जो। तो ऑटो पे रखेंगे दिन के टाइम आप ऑटो पे रख सकते हैं, अगर ज़्यादा ही कुछ लाइट हार्ड पड़ रही है या कैसे भी है तो आप इसे मैनुअल कर सकते हैं कस्टम भेजा के। उसके बाद आता है स्टाइल, स्टाइल के अंदर दोस्तों हमारा होता है कि सेचुरेशन कंट्रास्ट और शार्पनेस, ये तीन चीज़ें ऊपर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड होता है कि 0 0 0, हम तीनों चीज़ें 0 0 0 रख रहे हैं। उसके बाद आ रहा है सॉफ्ट, देख सकते हैं सेचुरेशन और कंट्रास्ट प्लस प्लस है तो सॉफ्ट पे है, माइनस पे है मतलब सॉफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे कस्टम पे अपने ढंग से सेचुरेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं, मैं स्टैंडर्ड रखूँगा नॉर्मल। तो बैक चलते हैं, ये चीज़ समझ लगी होगी सेचुरेशन कंट्रास्ट और शार्पनेस के बारे में। नीचे चलते हैं दोस्तों स्टाइल, स्टाइल के स्टाइल तो अब तो बता दिया है, कलर, कलर दोस्तों यहाँ पे ट्रियो कलर है, डी सनलाइक है, डी लोग है, फिल्म है, ब्लैक नाइट वाइट है, काफ़ी कलर दिए गए देखते ब्लू है, तो काफ़ी मैं DJI नन पे ही रखूँगा नन कलर, मेरे को कोई कलर नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। तो बैक चलेंगे, स्टाइल आगे, कलर आगे, एच फॉर्मेट आगे, दोस्तों हम जब भी कोई वीडियो एडिटिंग के दौरान रेंडर करते हैं H264 में ही रेंडर होती है, 65 नया फॉर्मेट आया है फिलहाल, अभी हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमेशा आपने H264 पे ही रखना है दोस्तों। तो बैक चलते हैं, हमारी वीडियो सेटिंग के बारे में बात हो चुकी है सारी, तो इसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग्स की, सेटिंग के अंदर दोस्तों हिस्टोग्राम है सबसे पहले, तो इसे हमेशा ऑन रखना चाहिए, इसे हमें ये देख सकते हैं ये बॉक्स आ गया यहाँ पे, इससे दोस्तों हमें एक्सपोज़र का पता चलता है, तो यहाँ से एक्सपोज़र का पता चलता है कितना होना चाहिए,
इसके बाद सेटिंग के अंदर ही चलते हैं, गिम्बल कैप्चे लो गिम्बल, यहाँ पे लो कैप्चे मतलब गिम्बल किसी हमें फोकस कर रहे हैं देख सकते हैं, किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं लो कर देगा ये देख सकते हैं, फोकस उसी पे फोकस रखेगा। उसके बाद आता है वीडियो कैप्चे एक्सपोजर वार्निंग, अगर ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ जाएगा वार्निंग, ठीक है। बाद में LED लाइट्स, ऑटो ग्रिड है, इसे पिछले ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ये सारी सेटिंग सेम्स हैं इसके अंदर। कैमरा सेटिंग है, नीचे आ जाता है रीसेट कैमरा सेटिंग। अगर कोई भी आपकी सेटिंग नहीं हो रही है तो आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेट कैमरा सेटिंग पे कर सकते हैं। फॉर्मेट SD कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है नीचे देख सकते हैं, फॉर्मेट करना चाहिए फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये इसके सेटिंग के बारे में भी हो गई है, तो ये आपको सारी सेटिंग समझा दी है। अपर्चर, शटर स्पीड, मैनुअल, इसके तीनों बारे में पता चल गया होगा आपको उम्मीद है। तो सेटिंग के बारे में बता दें, वीडियो कैमरा पे रखते हैं, कैमरा घुमा लेते हैं, यहाँ से मोड चेंज कर लिया मैंने, तो कैमरा के अंदर यहाँ पे आ गया फोटो के ब्रश मोड, तो काफ़ी सिंगल शॉट, मैं सिंगल शॉट ही रखूँगा, अभी सिंगल शॉट लेना चाहता हूँ मैं। इमेज रेडियो तो मतलब इमेज का साइज होता है ये, मैं रखता हूँ JPG प्लस रो, हमेशा हमें JPG प्लस रो रखनी चाहिए क्योंकि फुल रेगुलेशन होती है हमारी और अच्छी क्वालिटी होती है रो के अंदर। इसके बैक चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कलर वाइट बैलेंस स्टाइल और कलर वैसे ही आ गया, सारी सेटिंग सेम है, इसके बारे में बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज जो भी मैंने समझाया आपको समझ लग गया होगा। तो यहाँ पे हमारा मैप होता है, ये हमें ज़रूरी आना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरी शो करना चाहिए कहाँ से हम फ्लाई। GPS अगर नहीं आएगा तो आपका क्रैश होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे GPS, यहाँ पे सिग्नल है, यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप गिम्बल सेटिंग्स हैं, एडजस्टमेंट कैलिब्रेशन है, गिम्बल को कैलिब्रेशन करना चाहते हैं आप, गिम्बल कैलिब्रेशन हो जाएगा, एडजस्टमेंट गिम्बल एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग के अंदर आप गिम्बल को अगर ऊपर नीचे करना चाहते हो, काफ़ी सेटिंग्स है क्योंकि गिम्बल का स्टिल मोड भी होता है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप। तो पीछे चलते हैं, एडजस्टमेंट गिम्बल, एडजस्टमेंट अगर आपने गिम्बल को थोड़ा सा ऊपर उठाना है तो उठा सकते हैं, अगर पीछे करना है लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर उठाना है थोड़ा सा टेढ़ा करना है लेफ्ट हैंड को हो जाएगा माइनस में, अगर राइट हैंड को ऊपर करना है राइट हैंड को ऊपर हो जाएगा। हम मैं 0-0 ही रखूँगा, अभी देख सकते हैं ये लाइन दिख रही है दोस्तों, देखते हैं जो लाइन है सेंटर हो चुकी है, तो मैं 0-0 ही रखूँगा, इसे बंद कर देते हैं। तो इसके अलावा मैं दोबारा चलता हूँ सेटिंग के अंदर, यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं, रिटर्न होम के APS है, AT पोजीशन के, यहाँ पे वाईफाई स्ट्रेंथ है, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल के हैं C1 C2, यहाँ पे जो हमारे रिमोट कंट्रोल के दो नीचे बटन दिए होते हैं C1 और C2, यहाँ पे कैमरा फॉरवर्ड डाउन सेटिंग दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ बैटरी इन्फॉर्मेशन दे मेरे को C1 से, और कैमरा यहाँ पे मैं डाउन, मैं चाहता हूँ C2 से मेरा कैमरा डाउन हो जाए। अभी मैं C2 दबा के दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं मैं कैमरे C2 के शॉर्टकट दे दिया, देख सकते हैं दोस्तों एकदम से नीचे हो गया, ये ऑप्शन है इसके काफ़ी खास। तो दोबारा चलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे कैमराज आ गई, गिम्बल एडजस्टमेंट आ गई। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको आज के ट्यूटोरियल में आपको सब समय सेटिंग लग गई होगी, तो मेरा चैनल ग्रैंडियस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, धन्यवाद दोस्तों। Gracias.